पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए और एक नंबर पे पतंग का निशान है। मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5 साल के अंदर याकूतपुरा जिस तरीके से याकूत नाम जो हीरे का होता है उस तरीके से तराशने की कोशिश करूंगा और कहूंगा डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या चीज होती है वो बताऊंगा। मैंने कल ही अपनी तकरीर में कहा था, कई लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, हम डेवलप करेंगे, तुम करेंगे। अरे बाबा, तुम्हारी गिनती नहीं, हमारा मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से है। हम भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे,
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत क्या है, क्योंकि हमारा जब भी मुकाबला होता है वो हिंदुत्व ताकत फिरका परस्त ताकतों से होता है। तो आज हमारा मुकाबला याकूतपुरे में अगर किसी से है तो वो बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है, शिवसेना से है, ऐसे तमाम फिरका परस्त ताकतों से है। इनको हम मुंह तोड़ जवाब देकर ये बता देंगे कि ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का किला है, यहाँ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम मैं देख रहा हूँ। इस रैली के अंदर जितने भी नौजवान आए हैं, मेरे बुजुर्गों ने जिस अंदाज से इस्तकबाल किया है, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला आप लोग को हरगिज मायूस नहीं करूँगा। जब आप अपने खादिम को जाफर हुसैन मेराज को अपना उम्मीदवार की हैसियत से एक्सेप्ट करते हुए उसको कामयाबी इंशाल्लाह दिलाएंगे, तो जाफर हुसैन मेराज जिंदगी में कभी याकूतपुरे का सर नीचे होने नहीं देगा इंशाल्लाह ताला। जब मेरे कायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब से परमिशन लेके असेंबली में गरजूंगा ना, तो ये जितने बड़े बड़े बाता कर रहे खाकी चड्डी को ये बता दूंगा कि बाबा तुमको खाली खाकी चड्डी पीने हैं, पैंपर पिलाना याकूतपुरे की आवाम का काम है। और बता दूंगा कि अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से टक्कर लेने की कोशिश मत करो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जानती है, पहचानती है, और याकूतपुरे की आवाम इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह सुबहानहू ताला अगर चाहेगा तो 3 तारीख को तमाम इस कट्टे के अंदर हर घर की बिल्डिंग के ऊपर हरा परचम लहराएगा और फिजाओं में सिर्फ पतंग ही रहेगा। और हमारे मेहमान जो मुंबई से आए हुए हैं वारिस पठान साहब, इनकी भी एक अपनी पहचान है, इन्हों भी जब तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मोहब्बत देखकर जाफर भाई एक चीज का मुझे एहसास हो गया है कि आप जीत तो रहे मगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से आप जीत रहे। याकूतपुरा इस मरतबा रिकॉर्ड कायम करेगा ये आवाम ने बता दिया है। यहाँ की अभी आपने सुना जाफर भाई को किस तरह से इन्होंने कहा उनको पैंपर पिलाना हम सिखाएंगे बेटा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है जाफर भाई की टक्कर में यार। ये बीच में घुस के आ गए, अभी वो वीडियो बनाएंगे। अरे बच्चे तुम वीडियो गेम खेलते रहो या याकूतपुरा की आवाम ने डिसाइड कर लिया पतंग 30 तारीख को पूरी हवा में पतंग, पूरी तरह से पतंग। और बता दिया हमारा मुकाबला किससे है, चट्टी बनियान क्या जीतेगी, शेरवानी है। और जैसा जाफर भाई ने अभी बताया आपने स्पीच में कि इंशाल्लाह जब जीत के जाऊंगा असेंबली के अंदर तो पूरी तरह से गरजूंगा और याकूतपुरा का काम ऐसा करेंगे कि याकूत जो हीरा है उसको और चमकाएंगे। जाफर भाई चमकाइए, जाफर भाई पूरी जमात आपके साथ है, पूरी याकूतपुरा की आवाम आपके साथ है। लोगों ने देखा जाफर हुसैन महराज साहब ने अपने टमटमों के अंदर जो जीते किस बेबाकी के साथ काम किया, डेवलपमेंट का, विकास का, हर शोबे पे काम किया, लड़े हैं हर शोबे में आपके लिए, चाहे असेंबली हो चाहे पब्लिक हो, जहां कहीं भी कुछ हुआ है या जाफर हुसैन साहब पहले पहुंच गए। अभी आपने बीच में देखा था कि ट्रेन में हादसा हो गया, मुंबई को आ रही थी जयपुर से ट्रेन, जिसमें एक पुलिस वाले ने 3 मुसलमानों का नाम पूछ के उनको गोलियां मार दी थी। यकीन मानिए जाफर भाई पूरा हैदराबाद से वहां से निकले और इमीडिएटली मुंबई को पहुंचे और पूरा उनका इलाज का यहां तक पहुंचाने का पूरा खर्चा पानी पूरा जाफर। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। और इसका सिला जाफर भाई आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा यार। यही वजह है कि आज याकूतपुरा की पूरी आवाम आपकी मोहब्बत के अंदर पूरे जोरों शोर से आके यहाँ पर उमड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि एक सरों का समंदर यहाँ पहुंच गया है। मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लग गया, सोचिए कितना बड़ा माशाल्लाह रैली निकली है। मुझे सिर्फ मोहब्बत में हम बाहर से नहीं बुलाते, घर वाले काफी है।
घर से ऐसा भगाएंगे इनको कि याद करेंगे आगे आगे चुनाव में फॉर्म भरने के पहले भी 10 बार सोचेंगे कौन खड़ा है सामने। जाफर मेरा नहीं भरते भाई फॉर्म, डिपोजिटें कटर हो जाएगी इनकी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ऐसा काम करने वाला योद्धा आपके बीच में आया है और जमात ने सोच समझ